Hazreti Kaim-i Alem Allah-u Teala Fethullah'ın bir tufa eslamat geçti. पहली आयत वो है जिसमें अल्लाह ने ख़ुद इंसान को उसकी अहमियत और अल्लाह ने जो इंसान को नेमतें और इज़्ज़तें अता की हैं उनसे आगाह फरमाया और ऐलान हुआ कि वला कद करमना बनी आदमा कि हमने औलाद आदम को बेपनाह इज़्ज़तें अता की वह हमलना हम फिल बर्रे वल बहरे और इंसान को खुश्कियों और समंदरों में सवारियों की सहूलत अता की और वरज़क़ना हम मिनत तैयबात और इसको पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया व फ़ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला और हमने तमाम मखलूक़ात पर इस इंसान को फ़ज़ीलत व बरतरी अता की। देखिए इस आयत में अल्लाह ने इंसान की इज़्ज़त का ज़िक्र किया है और जब इज़्ज़त इंसानी का तज़किरा तमाम हुआ तो यही इज़्ज़तदार इंसान यही बाख्तियार इंसान जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है इसको क़यामत की जानिब मुतवज्जेह किया गया और ऐलान हुआ कि एक ना एक दिन ये इंसान जिसे अशरफ मखलूक़ात बनाया गया ये इंसान जिसे तमाम हैवानात व जमादात व नबातात में अफजल वाला और बरतर व बाला करार दिया गया इसे क़यामत के मैदान में बुलाया जाएगा और जब ये इंसान क़यामत के मैदान में बुलाया जाएगा तो ज़मीन व जायदाद के साथ नहीं बुलाया जाएगा बाग व बागात के साथ नहीं बुलाया जाएगा ताज व तख्त के साथ नहीं बुलाया जाएगा बल्कि हर इंसान क़यामत में अपने इमाम के साथ बुलाया अब जिसका जैसा इमाम होगा उसका वैसा अंजाम होगा। सलावात भेजें फ़र्ज़ाने गिरामी पहले इंसान को उसकी इज़्ज़त से आगाह किया गया और फिर इमाम का जिक्र हुआ। देखिए इसमें मारिफत इमाम का एक रास्ता है अल्लाह अल्लामुल गुयूब है अल्लाह को मालूम है कि एक तबका ऐसा भी आएगा महशर में जो कहेगा कि हम अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत के सबब मुताले से महरूम रहे। हम इमाम को कैसे पहचानते कि हमने रवायतों पे नज़र नहीं डाली हमने किताबों का मुतालिया नहीं किया हमें अरबी नहीं आती थी हम फारसी से वाकिफ़ नहीं थे तो वो अफराद जो ये हवाला और ये बहाना करेंगे तो उनके लिए अल्लाह ने एक इंतज़ाम किया है कि ठीक है तुम किताबें नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं तुम रवायतें नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं लेकिन तुम अपने आईने सिफात को तो देख सकते हो तुम अपनी किताब ज़ात का तो मुतालिया कर सकते हो तुम मारिफत इमाम का एक रास्ता ये भी है कि तुम अपनी हयात अपनी ज़िंदगी के आईने पर नज़र डालो और फिर गौर करो कि जब तुम यानी हिदायत लेने वाले हो जब हमने तुमको इतना बाख्तियार खल्क किया तो जो हिदायत देने वाला है उसे कितना बाख्तियार बनाएंगे। इंसान का मतलब है हिदायत लेने वाला वो इमाम का मतलब है हिदायत देने वाला तो जब हिदायत लेने वालों को ये इज्जत दी गई है तो हिदायत देने वालों को क्या इज्जत दी गई हो बात भेजे मोहम्मद वाले देखिए एक रास्ता है बहुत आसान सा रास्ता है मारिफत इमाम के लिए और ये हमारे जहन की उपज नहीं है। अगर आप आइम्मा मासूमीन की अहादीस पर नज़र डालिए तो ये वो दलाइल हैं कि जिनको ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पसंद किया।
अगर आप इसकी दलील पूछिए तो दलील ये है कि हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक बहुत ख़ास सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत हिशाम, और हज़रत हिशाम दुश्मनान अहले बैत से मुनकरीन इमामत से बहस व मुबाहसा करते रहते थे, मौजू इमामत के ऊपर मुनाजरा करते रहते थे। एक दिन जब जनाब हिशाम इमाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने सलाम किया और इमाम ने जवाब सलाम दिया तो फिर इमाम ने मुस्कुरा के कहा, हिशाम ज़रा वो मनाजरा सुनाओ जो तुमने हमारी इमामत के मुनकर से किया था। तो जनाब हिशाम कहने लगे, हजरत मैं और आपके सामने लब खोलूँ, मुझे शर्म आती है उन दलीलों को बयान करते हुए जो मैंने उस मुनकर इमामत को दी थी आपके सामने, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो इमाम ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि तुम ये दलीलें बयान करो, हम तुम्हारे मुंह से सुने, सुनिएगा गौर से। तो जनाब हिशाम ने कहा कि एक दिन एक मुनकर इमाम आवाम के बीच में बैठा हुआ लोगों के जहनों को गुमराह कर रहा था। तो जनाब हिशाम कहते मैं भी उसी मजमे में बैठ गया, और उसके बाद जब काफ़ी देर गुजर गई तो मैंने उस मुनकर इमाम से कहा कि मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है, मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो उस मुनकर इमाम ने कहा, तुम्हारा क्या सवाल है? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहा तुम्हारा क्या सवाल है? तो जनाब हिशाम कहते हैं मैंने कहा मेरा सवाल ये है कि आपके चेहरे पर आँखें हैं। तो उसने कहा ये कैसा सवाल है? तो मैंने कहा भाई सवाल तो सवाल है, कहाँ मेरे चेहरे पर आँखें हैं? तो जनाब हिशाम कहते मैंने पूछा कि तुम्हारे कान भी हैं? उसने कहा मेरे पास कान भी हैं। कहा तुम्हारे पास ज़बान भी है? जनाब हिशाम कहते हैं, उसने कहा कि ज़बान भी है। कहा तुम्हारे पास हाथ और पाँव भी हैं? उसने कहा हाँ मेरे पास हाथ और पाँव भी हैं। तो जनाब हिशाम कहते हैं मैंने पूछा कि तुम आँखों से क्या काम लेते हो? तो कहा मैं आँखों से बसारत का काम लेता हूँ। कहा कानों से क्या काम लेते हो? कहा समात का काम लेता हूँ। कहा ज़बान से क्या काम लेते हो? कहा ज़बान से गुफ्तगू का काम लेता हूँ। तो जनाब हिशाम कहते हैं मैंने पूछा और तुम्हारे सीने के अंदर दिल भी है? तो उसने कहा हाँ दिल भी है। तो कहा इस दिल का क्या काम है? तो उसने कहा इस दिल की तो सबसे ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि आँखें जो देखती हैं उनकी तस्दीक दिल के ज़रिए होती है, कान जो सुनते हैं उनकी तस्दीक दिल के ज़रिए होती है, ज़बान से जो कहा जाता है उसकी तस्दीक दिल के ज़रिए होती है। तो जनाब हिशाम कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा तो ये दिल की इतनी अहमियत है तो इस दिल को तुम किस नाम से नवाजोगे, जिसमें इस दिल की क्या हैसियत है? तो उसने कहा कि अरे दिल तो जिस्म का इमाम है। तो नहीं कहा का दिल तो जिस्म का इमाम है। हिशाम कहते मैंने कहा सवाल तो अब शुरू हुआ, जिस अल्लाह ने इतने से जिस्म में बगैर इमाम के जिस्म को खल्क नहीं किया, वो इतनी बड़ी कायनात को बगैर इमाम के छोड़ दे? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह ने गिरामी अगर इंसान सलावत और पढ़े मोहम्मद, तो अजीज़ो मारिफत इमाम के लिए अगर खुद आदमी अपने ऊपर गौर करे, अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, अपने आज़ाए बदन पर गौर करे, तो मारिफत इमाम के लिए एक आसान तरीन रास्ता है। बहरहाल क़यामत के मैदान में सबको सबके इमाम के साथ बुलाएगा, जिसका जैसा इमाम होगा उसका वैसा अंजाम होगा। देखिए कुरान की आयत बता रही है कि बे इमाम कोई नहीं होगा। सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बे इमाम कोई नहीं होगा। इमाम का मतलब है कि जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इख्तिदा की जाए, वो इमाम कहलाता है। ये कुरान की जो आयत है कि यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमाम हिम, कि हम कयामत में सबको सबके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो इमाम से महरूम कोई नहीं होगा। मसला क्या है? देखिए मसला इनकार इमामत का नहीं है, मसला इरफान इमामत का है। इनकार इमामत का मसला नहीं, इरफान इमामत का है।
कि वो इमाम जो मिनल्लाह है वो कौन है। मैं आपको पाँच मिनट में सिर्फ एक वाकया सुनाऊँ और गुफ्तगू को तमाम कर दूँ। मौला हुसैन जब रजब में 28 तारीख को मदीने से बरामद हुए तो आप ये कह के निकले थे कि मैं अपनी उम्मत की, नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो वो इस्लाह उम्मत क्या थी जिसके लिए मौला हुसैन रवाना हुए थे? तो इसका अंदाज़ा तब हुआ कि जब हुर के लश्कर ने इमाम का रास्ता रोका और एक कबीले कंदा का आदमी इब्ने ज़ियाद का खत लेके जनाब हुर के पास पहुंचा। तो जब वो कबीले कंदा का आदमी जनाब हुर के पास कासिद यजीद और इब्ने ज़ियाद बन के पहुंचा तो मौला हुसैन के लश्कर उनके साथियों में एक बड़ा अजीम नाम है जनाब अबू शासा कंदी। अबू शासा कंदी आगे बढ़े, उनका तुझे शर्म नहीं आती है कि तू यजीद की तरफ से कासिद बनाए, इब्ने ज़ियाद का खत पहुंचा रहा है? तो उस शख्स ने पलट के कहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं तो अपने इमाम की इताअत कर रहा हूं। और फरमाया आपने, उसने क्या कहा कि मैं अपने इमाम की इताअत कर रहा हूं। इसका मतलब लश्कर यजीद और यजीद के मानने वाले भी इमाम का इनकार नहीं कर रहे थे। मसला यह था कि यजीदी यजीद को अपना इमाम मान रहे थे और मौला हुसैन के चाहने वाले मौला हुसैन को अपना इमाम मान रहे थे। एक वक्त में दो दो इमाम माने जा रहे थे, इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है कि साहब एक ही वक्त में दो दो इमाम कैसे माने गए? तो माने जाना चाहिए, इसलिए कि खुद कुरान में ऐलान है कि दो तरह के इमाम होते हैं। कुछ वो होते हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और कुछ वो है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत फरमाते हैं। तो देखिए, यहाँ मसला इकरार इमाम का नहीं था, मसला था इरफान इमाम का। एक इमाम वो है जो मिनन्नास होता है, वो एक इमाम वो है कि जो मिनल्लाह होता है। इमाम हुसैन जो निकले थे तो वो ये पहचानवाने के लिए निकले थे कि पहचानो मिनल्लाह इमाम कौन है और मिनन्नास इमाम कौन है। भाई जो अल्लाह की जानिब से बनाया गया है वो इमाम कौन है? जिसने मिनल्लाह को पहचान लिया उसी ने मारिफत का हक अदा किया है। इमाम हुसैन जो निकले थे तो मिनल्लाह इमाम को पहचानवाने के लिए निकले थे और इमाम ने पहचानवाया भी, ऐसा पहचानवाया कि 10 मुहर्रम को हुर ने इमाम हुसैन के कदमों में सर झुका के बताया कि मैं भी मिनल्लाह को पहचान गया। और यजीद के बेटे ने अपने बाप के तख्त पर ठोकर लगा के बताया कि मैं भी इमाम को पहचान गया। सलावात भेजो अहमद तो ये जो मारिफत है, तो मारिफत का मतलब ये है कि अल्लाह की जानिब से इमाम कौन है उसको पहचानना। अब जब हमारे आपके इमाम का इंशाअल्लाह ज़ुहूर होगा तो उस वक्त यही मरहला पेश आएगा। इसलिए कि खाली इमाम का ज़ुहूर नहीं होगा, इमाम के ज़ुहूर से पहले रवायतें बताती है कि बहुत से झूठे अफराद अपनी जगह से बुलंद होंगे, बल्कि तादाद लिखी है कि 20 लोग, उन 20 में भी 12 अफराद सादात में से होंगे, यानी वो गैर नहीं होंगे, वो अपने ही में से होंगे जो दावा इमामत करेंगे। अब ये 20 झूठे इमाम होंगे और एक मिनल्लाह इमाम होगा। मारिफत का मतलब है पहचान लिया जाए कि मिनन्नास कौन है, मिनल्लाह कौन है, सखीफा वाला कौन है, गदीर वाला कौन है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। पहचानने के लिए कुछ अलामात हैं, कुछ अलामात बयान की गई हैं, जिसमें कुछ अलामात ऐसी हैं जो जाहिर हो भी सकती हैं और जाहिर नहीं भी हो सकती, लेकिन कुछ अलामात हतमी अलामात हैं, जिसमें से एक अलामत यह है कि जब हजरत का जहूर होगा तो सूरज में एक चेहरा नजर आएगा। तो सुनिए गुफ्तगू तमाम है। आफ्ताब में एक चेहरा नजर आएगा और जब वो चेहरा नजर आएगा तो उसके साथ एक आवाज आएगी, हाजा अमीरुल मोमिनीन। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। देखिए आप इसकी हिकमत समझते हैं क्या? ज़ुहूर किसका होने वाला है? 12वें का। और चेहरा किसका नजर आएगा? पहले का। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। भाई ज़ुहूर होने वाला है आखिरी इमाम का और चेहरा नजर आएगा पहले इमाम का। समझाया जा रहा है कि आखिरी इमाम तक जाना मगर या अली मदद को छोड़ के न जाना। गुफ्तगू तमाम हुई मतलब भर के मोमिनीन और
शुरा मौजूद है। मैं सोच रहा हूँ कुछ शेर पढ़ दूँ, मैंने कहे और मैं जो शेर कहता हूँ तो असलन बारगाह मासूमीन ही के लिए होते हैं। शुरा इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले चार मिसरे सुनने के। ये भी नहीं कि उनकी दीद का ख्वाब नहीं है आंखों में, ये भी नहीं कि उनकी दीद का ख्वाब नहीं है आंखों में, बात हकीकत इतनी सी है ताब नहीं है आंखों में, बात हकीकत में इतनी है ताब नहीं है आंखों में। उनकी आमद की कश्ती में देर फकत इस बात से है, सुनिएगा अस्करी मियां, उनकी आमद की कश्ती में देर फकत इस बात से है, होठों पर लबैक तो है सैलाब नहीं है आंखों में। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये चंद शेर और हैं, समाप्त फरमा लें जी। एक सलावत आवाज बुलंद भेज दें आप। जो भी याद आ जाए, दो तीन शेर कहे तो चार पांच शेर थे, अर्ज किया है। जैसे जैसे जुल्मत की शब, देखिए फिर भूल गए, निकालना ही पड़ेगा, दो मिनट इजाजत है। समझे सोस्तानों की तरह से आ हो रहा है। उसने स्टेटस पे लगाया था उसे, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया जी। ये अभी 24 घंटे गुजरे नहीं है, शायद हमने खुद ही डिलीट कर दिया था। चलिए यही खता एक बार फिर से सुन लीजिए। अल्लाह वसल्लम जैसे जैसे जुल्म की शब तारीख हुई, जैसे जैसे जुल्म की शब तारीख हुई, मेरे गैबत की आमद नजदीक हुई। जैसे जैसे जुल्म की शब तारीख हुई, मेरे गैबत की आमद नजदीक हुई। यानी कोई मसीहा अब भी जिंदा है, यानी कोई मसीहा अब भी जिंदा है, मरती दुनिया वरना कैसे ठीक हुई। यानी कोई मसीहा अब भी जिंदा है, मरती दुनिया वरना कैसे ठीक हुई। कल तक जो साहिल थे वो सुल्तान हुए, कल तक जो साहिल थे वो सुल्तान हुए, जिनको हासिल उसके दर की भीख हुई। कल तक जो साहिल थे वो सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल तक जो साहिल थे वो सुल्तान हुए, जिनको हासिल उसके दर की भीख हुई। देखिए एक शेर है, वो याद आ जाए तो आपको भी लुत्फ आ जाएगा।
इज़्न बगैर नबी के हुजरे में तदफीन, इज़्न बगैर नबी के हुजरे में तदफीन, ये तो हुक्म आयत की तस्दीक हुई, ये तो हुक्म आयत की तस्दीक हुई। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले।